गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 16वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। आज हम करेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विघटन। क्या पढ़ेंगे हम? ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विघटन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विघटन हम पढ़ेंगे। देखिए कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो विघटन है वो उच्च ऑक्सीजन दाब पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुग्मन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उच्च ऑक्सीजन दाब पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखिए, जब ऑक्सीजन उच्च दाब की अवस्था में होगा तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुग्मन कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि लोहे परमाणु का एक जैसा कि पहले बताया गया है कि एक लोहे परमाणु एक लोहे परमाणु एक ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन अणु को संयुग्मित करता है। हम पहले बता चुके हैं कि एक लोहे का परमाणु एक ऑक्सीजन को संयुग्मित करता है, तथा जब ये संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन से संतृप्त हो जाता है, मतलब एक लोहे का परमाणु जो है वो एक अणु को ऑक्सीजन के अणु को संयुग्मित करेगा, और ये फिर धीरे धीरे क्या करेगा, कंप्लीट रूप से संतृप्त ऑक्सीजन से संतृप्त हो जाएगा। ओके, तथा और अधिक जब ये क्या करेगा कि जब ये संतृप्त हो जाएगा हाई O2 प्रेशर पर HB पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है तो और अधिक O2 को ग्रहण नहीं करता। जब ये पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है तो O2 को और अधिक ग्रहण नहीं करता। फिर क्या है कि निम्न O2 दाब पर, ये क्या है, ये हाई O2 दाब पर था, यहां से लेकर के यहां तक हाई प्रेशर की बात कर रहे थे हम, अब है निम्न O2 दाब पर। इसको मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूं, ये तो हाई प्रेशर की बात की है हमने, अब करेंगे लो प्रेशर की। निम्न O2 दाब पर
ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। ओके, निम्न ऑटोडा पर इसका वियोजन होता है जिससे संपूर्ण ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाती है। क्या होता है? निम्न ऑटोडा पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है जिससे संपूर्ण ऑटो वियोजित हो जाती है। जिससे संपूर्ण ऑटो क्या हो जाती है? वियोजित हो जाती है या स्वतंत्र हो जाती है। क्या हो जाती है? वियोजित हो जाती है या स्वतंत्र हो जाती है। ओके, देखिए कि निम्न ऑटो दाब पर संपूर्ण ऑटो जो है वो स्वतंत्र हो जाती है और किसी निश्चित ऑक्सीजन सांद्रता पर हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। किसी निश्चित ऑक्सीजन सांद्रता पर क्या होता है? ये किसी निश्चित ओटो सांद्रता पर ओटो का वियोजन होता है। देखिए, हमने बताया आपको कि हाई ओटो दाब पर, उच्च ऑक्सीजन दाब पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का संयुग्मन होता है जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। एक लोहे का अणु एक ऑक्सीजन के अणु को संयुग्मित करता है और जब यह संपूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तो वह अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाती है और उस संतृप्त अवस्था के बाद यह और ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बाद हमने बात की निम्न ऑटो दाब की, तो निम्न ऑटो दाब पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है जिससे संपूर्ण ऑटो स्वतंत्र हो जाती है। ओके, किसी निश्चित ऑटो सांद्रता पर ऑटो का वियोजन होता है। इसके बाद जिससे संपूर्ण ऑक्सीजन जो है वो स्वतंत्र हो जाती है, जिससे क्या होता है? संपूर्ण ऑटो वियोजित हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। इसके बाद देखिए कि किसी निश्चित ऑक्सीजन सांद्रता पर ऑक्सीजन और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के मध्य एक निश्चित अनुपात बना रहता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के दाब तथा रक्त द्वारा ऑक्सीजन के अंतःग्रहण मुक्त के बीच जो वास्तविक संबंध होता है उसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किसे कहेंगे? देखिए, ऑक्सीजन के दाब तथा रक्त द्वारा ओटो के अंतर्ग्रहण एवं मुक्ति के बीच जो वास्तविक संबंध होता है इसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। O2 के दाब तथा रक्त द्वारा ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण एवं मुक्ति के बीच जो वास्तविक संबंध होता है, इसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस ये वक्र इस प्रकार है, देखिए हम एक वक्र बना रहे हैं, ओके PO2 है ये 10, 20, 30, इस प्रकार से हम सिग्मोइड का रूप बनेगा भाई इसमें। अस्सी, नब्बे, सौ, एक सौ दस, यह है प्रतिशत संतृप्त सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रतिशत संतृप्त हीमोग्लोबिन। ओके, इस प्रकार से देखिए कि यह कर्व इस प्रकार से चलता है, ऐसे 100 पे जाके देखिए उच्चतम हो जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कर्व एस आकार का कर्व है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पीएच 7.4 एंड पीएच कितना है 7.4। ओके, ये सिग्मोइड कर्व बनता है, इस प्रकार का वियोजन वक्र बनता है। इसमें देखिए हम स्टडी करेंगे कि इस वक्र के अनुसार ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 mmHg होने पर, देखिए 100 mmHg होने पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 100 mmHg होने पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन की दर बढ़ जाती है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन द्वारा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत या संतृप्त हो जाता है, अर्थात होने पर हीमोग्लोबिन O2 द्वारा संपूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है। देखिए 100 mmHg दाब होने पर, ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 mmHg होने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन द्वारा संपूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है, और उच्च ऑक्सीजन दाब पर हीमोग्लोबिन द्वारा और अधिक ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जा सकती। इस अवस्था में क्या नहीं किया जा सकता, और अधिक O2 ग्रहण नहीं की जा सकती, संतृप्त हो गया है तो उसके बाद तो अब और ऑक्सीजन ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है यहां पर। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन के निम्न दाब पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, ऑक्सीजन के निम्न आंशिक दाब पर इसका वियोजन। देखिए यहां पर 100 mmHg है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संतृप्त अवस्था में, अधिकतम अवस्था में है। इसके बाद देखिए कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, लो होगा, तो इसका वियोजन होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, वियोजन होगा। निम्न O2 दाब पर क्या होगा,
O2 के निम्न दाब पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, का क्या होता है? वियोजन होता है। ओके, इसमें क्या है कि इसका वियोजन 30 mm एसजी आंशिक दाब पर उपस्थित हीमोग्लोबिन का आधा भाग वियोजित हो जाता है। क्या है कंडीशन, क्या है इसमें कि देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं कि 30 mm एचजी दाब पर आधी दाब पर O2 का 1/2 भाग वियोजित हो जाता है, 1/2 भाग वियोजित हो जाता है, कितने mmHg पर? 30 mmHg पर O2 का आधा भाग जो है वो वियोजित हो जाता है। यदि इस दाब से और कम अगर हम दाब करेंगे तो ऑक्सीजन का और अधिक वियोजन होगा। 30 mmHg से भी कम दाब पर यदि हम और कम दाब करेंगे तो इससे कम दाब करने पर और अधिक वियोजन होगा, इससे और कम दाब पर और अधिक वियोजन, और अधिक वियोजन होगा। ओके, इसके बाद देखिए कि अगर ऑक्सीजन का दाब यदि शून्य हो गया, यदि O2 का दाब क्या है, यदि शून्य हो गया, PO2 शून्य होने पर संपूर्ण ऑक्सीजन का वियोजन हो जाएगा, संपूर्ण O2 का वियोजन हो जाएगा, संपूर्ण O2 का क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ओके, इसके बाद इस प्रकार ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी होने पर हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण में कमी आती है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रुधिर में संचरण के समय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, होने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन शीघ्रता से होता है। क्या होता है देखिए कि स्टार्टिंग में एक बार फिर से देखिए कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन, देखिए सबसे पहले हमने बताया कि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र है, इसके अंतर्गत देखिए सिग्मोइड कर्व बनता है, ये प्रतिशत संतृप्त हीमोग्लोबिन है और ये है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, इसके अंदर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और पीएच 7.4। ओके, इसके अंदर क्या है, सिग्मोइड कर्व बनता है और देखिए ऑक्सीजन का यदि आंशिक दाब 100 mmHg होता है तो इसके द्वारा संपूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संतृप्त हो जाता है, ऑक्सीजन संपूर्ण रूप से संतृप्त हो गया है। यहां पर देखिए हीमोग्लोबिन Hb संतृप्त, संपूर्ण रूप से संतृप्त हो गया है। इसके बाद देखिए और ऑक्सीजन के निम्न दाब पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या होता है? वियोजन होता है। यदि 30 mmHg दाब पर ऑक्सीजन का आधा भाग वियोजित हो जाता है और इससे और अधिक कम दाब करने पर और अधिक इसका वियोजन होता है। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब शून्य हो जाता है तो संपूर्ण O2 का वियोजन हो जाता है। इस प्रकार जैसे ही कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहां पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाएगा और O2 क्या करेगी, हीमोग्लोबिन से वियोजित होकर के कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार देखिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, यह है ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, राइट। इसके बाद देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक,
ऑक्सीहीमोग्लोबिन को वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। नंबर एक, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब। O2 का आंशिक दाब, अधिक होने पर हीमोग्लोबिन O2 द्वारा, O2 से संतृप्त होता है, हो जाता है। 100 mmHg पर, 100 mmHg संतृप्त हो जाता है। इसके अलावा देखिए, निम्न O2 दाब पर, निम्न O2 दाब पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, वियोजन होता है। कब कब होता है? 30 mmHg पर 1/2 तथा PO2 शून्य पर संपूर्ण वियोजन। ओके, इसके बाद सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। सेकंड पॉइंट है CO2 का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। CO2 के आंशिक द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर, CO2 की मात्रा बढ़ने पर वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, दाईं ओर विस्थापित होता है। इसका मतलब दाईं ओर विस्थापित होता है, इसका तात्पर्य है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन मुक्त होगी, अर्थात O2 अधिक मुक्त होगी, मुक्त होगी या वियोजन अधिक होगा, वियोजन अधिक होगा। और O2 की मात्रा कम होने पर, CO2 की मात्रा कम होने पर CO2 की मात्रा कम होने पर वियोजन कम होगा, वियोजन कम होगा। इसके बाद देखिए, CO2 के आंशिक दाब के प्रभाव की खोज सर्वप्रथम क्रिस्टन बोर ने की थी। CO2 के प्रभाव की खोज
क्रिस्टन बोर ने की थी, क्रिस्टन बोर ने की थी। बोर नामक वैज्ञानिक था, उसने इसके बारे में बताया और इसी के नाम के आधार पर इसको बोर प्रभाव कहा जाता है। इसी के नाम के आधार पर इसे बोर प्रभाव कहा जाता है, बोर प्रभाव, बोर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कि CO2 के प्रभाव को हम एक उसके द्वारा इस डायग्राम के द्वारा देखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, बोर प्रभाव को समझने के लिए देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120% एच बी संतृप्त, एच बी पीओ टू इधर। ओके, इसमें देखिए इस तरीके से कार्व बनता है। ओके, बन गया। इसके बाद एक कार्व और देखिए, इसी के नीचे ये बन गया। ओके, ये बन गया। दूसरा कार्व देखिए, ये बन गया। ओके, इसमें क्या है, लो ब्लड पीसीओ टू, लो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को प्रदर्शित किया गया है। फिर हाई ब्लड, ये नॉर्मल ब्लड, ये देखिए तीनों कंडीशन दिखाई गई है यहां पर डायग्राम में दिखाई गई है बोर प्रभाव को समझाने के लिए। देखिए चित्र में 20, 40 और 60 mmHg पर CO2 के आंशिक दाब पर ऑक्सीजन विघटन वक्र को प्रदर्शित किया गया है, जिससे पता चलता है कि CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि होने पर, CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि होने पर रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, देखिए CO2 की मात्रा अगर ज्यादा हो रही है तो देखिए ऑक्सीजन के वियोजन वियोजन कम हो रहा है। यदि लो CO2 है तो वियोजन ज्यादा हो रहा है। ये इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं जो बोर प्रभाव को इंगित करते हैं। ठीक है, ये है ऑक्सीजन विघटन वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की O2 धारण क्षमता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र किधर विस्थापित हो जाएगा, दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। और यह है बोर प्रभाव। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बोर प्रभाव क्या है। यदि CO2 के आंशिक दाब बढ़ने के कारण वियोजन बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन के ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, अर्थात वियोजन होने की क्षमता बढ़ जाती है, और CO2 की कंसंट्रेशन यदि कम हो जाती है, दाब कम हो जाता है, तो उसकी धारण क्षमता अधिक हो जाती है। ये बोर प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेम्परेचर। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है टेम्परेचर। तापक्रम तीसरा। टेम्परेचर देखिए, तापक्रम में वृद्धि होने पर हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण में कमी आती है। यदि तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम में वृद्धि से
O2 वियोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ टेम्परेचर। सीधा पता चल रहा है, यदि ऑक्सीजन तापक्रम यदि बढ़ेगा तो वियोजन वक्र क्या होगा, घटेगा, और तापक्रम यदि घटेगा तो वियोजन वक्र क्या होगा, घटेगा। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के 100 mmHg आंशिक दाब पर, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन के 100 mmHg आंशिक दाब पर यदि 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की स्थिति में, 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की स्थिति में क्या होता है कि 93% ऑक्सीजन का संतृप्तिकरण देखा गया। कितना? 93% ऑक्सीजन का संतृप्तिकरण देखा गया, ठीक है। और भौतिक एवं पेशी क्रियाओं के समय ताप में होने वाले वृद्धि के कारण अंतरों में काफी मात्रा में O2 मुक्त होती है, और O2 की यह मात्रा ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र से होती है। यदि ताप जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनके कारण यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वियोजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का वियोजन बढ़ जाता है। इसके बाद में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखिए, रुधिर में पीएच भी क्या करती है कि वियोजन वक्र को प्रभावित करती है। उत्तकों में उपापचय दर के बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं अम्लीय उपापचय उत्पादों में वृद्धि होती है, जिससे O2 का आंशिक दाब कम होने लगता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन से ऑक्सीजन मुक्त अधिक होती है। देखिए, उत्तकीय उपापचय क्रियाओं से, उपापचय क्रियाओं से CO2 एंड अम्लीयता बढ़ती है जिससे ऑक्सीजन का वियोजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का वियोजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन अधिक मुक्त होती है। ओके, तो ये था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की मात्रा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ती है। O2 धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है कार्बनिक फॉस्फेट पदार्थों की सांद्रता। सिक्स्थ पॉइंट है कार्बनिक फॉस्फेट पदार्थों की सांद्रता, कार्बनिक फॉस्फेट पदार्थों की सांद्रता। इसमें देखिए, बेनेस के अनुसार कुछ कार्बनिक फॉस्फेट पदार्थ भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंधुत्वता को प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों में है डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल
डाइफोस्फोग्लिसरिक अम्ल ये क्या करता है कि यह आरबीसी में ग्लूकोज व फॉस्फेट से बनता है और इस पदार्थ की लाल रक्ताणुओं में अधिक सांद्रता होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन शीघ्रता से होने लग जाता है। वियोजन शीघ्रता से होता है, वियोजन शीघ्रता से होता है, O2 का वियोजन शीघ्रता के साथ होता है, है? और यह था ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके बाद देखिए आंतरिक श्वसन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आंतरिक श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन का वियोजन होने के बाद ऑक्सीजन सेल्स में किस प्रकार से जाती है और वो सेल में जाकर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। देखिए जो कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकीय श्वसन में निम्न क्रियाएं होती हैं। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन की क्रिया नंबर एक कौन सी क्रिया होती है भाई? नंबर एक O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, दूसरी है O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में वो क्या है? क्रेब चक्कर। क्रेब्स साइकिल। ओके, ये दो क्रियाएं होती हैं भाई, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी क्रेब चक्कर। और इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हमने ऑक्सीजन का परिवहन कंप्लीट कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।